जब से प्रशासन ने नया मोटर वाहन एक्ट लागू किया है तब से लोग अपने वाहनों के डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के सभी डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, जिसके चलते उन्हें चालान की मोटी रकम भरनी पड़ती है। जानकारी अनुसार आज ब्लॉक मुख्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने क्षेत्र से 30 से 40 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्रों व बसना के आसपास के गांव से लगभग 1500 युवक व युवतियां सरायपाली के मनरेगा भवन में सुबह 6 बजे से ही संभावित भीड़ को देखते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचने लग गए थे। इस दौरान 1000 फॉर्म जमा होने की जानकारी मिली थी, पर 11 बजे तक जिला परिवहन विभाग से कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचने की चर्चाएं हो रही थी। मनरेगा भवन के सामने स्थित मैदान में खड़े होने की जगह तक नहीं थी, सड़क के पार लोग खड़े थे। विभाग व प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सुचारू व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग काफी परेशान होते दिखे। कैंप में किसी प्रकार का कोई स्टॉल, टेबल या फिर इंडिकेशन नहीं होने के कारण अनेक लोग भटकते देखे गए। आवेदकों से भवन के मुख्य गेट से आवेदन लिया जा रहा था, ना कोई लाइन ना कोई आवेदन लेने की समुचित व्यवस्था की गई। भीड़ व अफरा तफरी के माहौल में सबसे अधिक परेशानी महिला आवेदकों को उठानी पड़ रही थी। पुरुषों के इस भीड़ में महिला किस तरह आवेदन देगी, अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। दोपहर 11 बजे तक एक भी पुलिस कैंप में दिखाई नहीं दिया। इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जागरूकता तो है लेकिन परिवहन विभाग इन हजारों लोगों के लाइसेंस बनवाए जाने की प्रक्रिया को सरल नहीं कर पाया है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। प्रशासन को इस व्यवस्था को और ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को समस्याओं को सामना ना करना पड़े। वहीं इस दौरान लाइसेंस बनवाने आए लोगों नगर पालिका द्वारा पानी टैंकर रख दिया गया, जो धूप से बेहद गर्म होने के कारण पानी पीने योग्य नहीं था। सैकड़ों लोग पेयजल के हलाकान परेशान थे। इस परेशानियों को देखते हुए नगर की धार्मिक व सामाजिक संस्था मां संतोषी सेवा समिति द्वारा टेबल लगाकर पानी पिलाए जाने की व्यवस्था की गई। सदस्य बिट्टू सरदार द्वारा पानी के पाउच का वितरण किया गया। प्यास से परेशान अनेक लोगों ने समिति के निर्णय की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया है। समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी करनाल जिलावासियों को भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवाली की प्रेषित करता हूं। यह दीपावली पूरे समाज को एक उजियारा दिखाए, शुभ दिवाली घरों में नूतन बनकर के आए, धन धनाढ्य से परिपूर्ण हो, आम जन सुखी हो, 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहे, ऐसी शुभकामना मैं इस दिवाली के पर्व पर आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को करता हूँ। जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद की ओर से सभी प्रदेशवासी तथा जिले वासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेशवासियों तथा जिले वासियों को एक बार फिर से जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।